वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। हाथ और पैरों में सुन्नपन और झंझनाहट होना, यह समस्या आपने भी थोड़ी बहुत कभी महसूस की होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा इसी विषय पर है। कभी कभी बैठे बैठे हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं और फिर उनमें झंझनाहट महसूस होती है, मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है और दर्द भी होता है। यह प्रक्रिया शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको शरीर के किसी भी भाग में मांसपेशियों में ऐंठन, सुन्नपन और झंझनाहट महसूस होती है और यह समस्या अक्सर होती रहती है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। रक्त प्रवाह की रुकावट के कारण ऐसा होता है। ब्लड के शरीर के किसी भी भाग में ना पहुंचने के कारण वहां की मांसपेशियों में सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, नसों में सनसनाहट महसूस होती है और फिर ऐंठन के साथ दर्द भी होता है। इसी समस्या के लिए हम कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर आए हैं, जिसका कुछ दिन के प्रयोग करने के बाद आपकी यह समस्या जड़ से ठीक होगी। होम्योपैथी के इस इलाज में आपको लानी है 5 होम्योपैथिक दवाएं, जिनमें दवा नंबर 1 आर्निका 200 पोटेंसी। इस दवा की 2 बूंद जीभ पर टपकानी है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। दवा नंबर 2 हाइपेरिकम 200 पोटेंसी। इस दवा की भी 2 बूंद जीभ पर टपकानी है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। दवा नंबर 3 जेलसीमियम 200 पोटेंसी। इस दवा की भी 2 बूंद जीभ पर टपकानी है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। दवा नंबर 4 अर्जेंटम मेटालिकम 30 पोटेंसी। दोस्तों, ध्यान रहे, ये दवा आपको 30 पोटेंसी में लानी है। इस दवा की 2 बूंद जीभ पर टपकानी है दिन में 3 बार। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये दवा आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर में और एक बार शाम को। दवा नंबर 5 एग्रीकस मुस्कैरियस 30 पोटेंसी। ये दवा 2 बूंद जीभ पर टपकानी है दिन में 3 बार। दोस्तों, ये दवा भी आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से मांसपेशियों में ऐंठन, सुन्नपन, झंझनाहट का होम्योपैथिक इलाज। सभी दवाएं 10 मिनट का गैप करके लेनी हैं और जो जो जिस जिस तरह बताया गया है वैसे ही समय पर लेनी है। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से नसों की झंझनाहट का होम्योपैथिक इलाज। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।